नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 इसका प्रश्न नंबर 11 है। गुणन खंडन कीजिए 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। आइए सबसे पहले तो हम इसे क्यूब में बदलेंगे। कैसे? इसके बाहर क्यूब, यहाँ x है तो ये ब्रैकेट के अंदर x आ जाएगा, x का क्यूब x³ बन गया। यहाँ कौन सी संख्या लिखे जिसका क्यूब 27 होगा? 3। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 × 9 = 27। इसी प्रकार से y का क्यूब है, इसको मैं लिखता हूँ y³ + z³ है, इसको मैं लिखता हूँ z³ - यदि इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये z को अलग कर दो, y को भी अलग कर दो, उसके बाद है 3x को भी अलग कर दो, बाकी बच गया 3xyz × 3। तो ये यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास एक सर्व समीका का रूप बन जाएगा, जो कि है a³ + b³ + c³ - 3abc। और ये जो सर्व समीका है किसके बराबर होती है, ध्यान से देखना बच्चों, ये होती है a+b+c × a²+b²+c²- ab - bc - ca। ये सर्व समीका है। कई जगह ये सर्व समीका आपको एक्स वाई जेड के हिसाब से दी होगी, x³ + y³ + z³ - 3xyz = x+y+z × x² + y² + z² - xy - yz - zx। तो एक ही बात है, ठीक है बच्चों। तो इस सर्व समीका का हम प्रयोग करेंगे कैसे, आइए देखें। तो यह है a³ + b³ + c³ - 3abc किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसमें इस वाली इस पूरी टर्म में हम a की जगह 3x, b की जगह y और c की जगह z भर देंगे। आइए देखें कैसे। सबसे पहली ब्रैकेट, ब्रैकेट हमेशा इसमें बड़ी डालना, a है 3x प्लस b है y प्लस c है z। ये एक ब्रैकेट खत्म हो गई। दूसरी ब्रैकेट में है a² का मतलब a है 3x, तो a² यानी 3x² प्लस b है y के बराबर, तो b² यानी y² प्लस c², c है z के बराबर, तो c² यानी z² उसके बाद है, सॉरी माइनस है यहां पर बेटा, माइनस ab, a है 3x, ये देखो b है y, फिर है माइनस bc, b है y, c है z। मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूं सिर्फ इसीलिए ताकि आपको समझ आए। माइनस ca, c है z, a है 3x, ये ब्रैकेट बंद, और एक ये बड़ी ब्रैकेट खोली थी, ये बड़ी ब्रैकेट यहां पर बंद हो जाएगी। ये समझ आया बच्चों? अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करना, इस स्टेप को दोबारा समझना, फिर नहीं समझ आया फिर दोबारा समझना, हमने कुछ नहीं किया। ये a³ + b³ + c³ - 3abc बनाया, इसका फॉर्मूला या सर्व समीका है a+b+c × a²+b²+c²- ab - bc - ca। ए को हमने माना 3x, बी को हमने माना वाई, सी को हमने माना जेड, तो ए बी सी की जगह ये वैल्यूज हमने यहां पे डाली हैं। आइए अब इसे आगे हल करेंगे। पहली ब्रैकेट ये है 3x + y + z, दूसरी ब्रैकेट में देखें, एक एक करके इसको हल करेंगे, बहुत लंबा है कोई बात नहीं, हम एक एक करके हल करेंगे, बिल्कुल ठीक होगा। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई भी दे जाए कि क्या लिख रहा हूं। 3 का स्क्वायर होता है 9, x² होता है x² + y² होता है
वाई स्क्वेयर प्लस जेड का स्क्वेयर होता है जेड स्क्वेयर। आगे देखो, ये तीन अलग अलग रकमें हैं, ये अलग रकम है, ये अलग रकम है, ये अलग रकम है, तो इनको अलग अलग ही हम गुना करेंगे। देखो यहां है माइनस, 3x को y से गुना किया, 3x गुना y हो जाएगा 3xy। आगे है माइनस, y गुना z हो जाएगा yz। आगे है माइनस, z गुना 3x, 3 को एक, इसके साथ कोई नंबर नहीं है यानी एक है, 3 को एक से गुना किया 3, z गुना x हो गया zx या xz। ठीक है बच्चों, अब आप इसको ध्यान से यदि देखेंगे तो x y z ये समान पद नहीं है, आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। यहां पर यह है एक्स स्क्वेयर, और कोई एक्स स्क्वेयर वाली रकम नहीं है। यहां है वाई स्क्वेयर, और कोई वाई स्क्वेयर वाली रकम नहीं है। यहां है जेड स्क्वेयर, और कोई जेड स्क्वेयर वाली रकम नहीं है। एक्स वाई, और कोई एक्स वाली रकम नहीं है। वाई जेड, और कोई वाई जेड वाली रकम नहीं है। जेड एक्स, और कोई जेड एक्स वाली रकम नहीं है। इसका मतलब ये सारे ही असमान पद हैं, ये आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते। तो हमने जो ये गुणनखंडन निकालना था 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz का, वो इसके बराबर आ गया। यही गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, इसको और इसको गुना करके ये बनेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और यदि अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।